रुख करते हैं हिमाचल का, जहां की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की एक पुरानी फोटो पर फिर से सियासी बवाल मच गया है। कंगना की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिस पर लिखा है लोग कर लो बात, मंडी में गर्मी। आरोप है कि हमीरपुर यूथ कांग्रेस क्लब की ओर से इस फोटो को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया है, लिहाजा कंगना को लेकर हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस में फिर से सियासी जंग छिड़ गई है। कंगना की ताजा वायरल फोटो के पोस्ट के कैप्शन में लिखा है लोग कर लो बात, मंडी में गर्मी। अब बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसमें कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस और हमीरपुर यूथ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसी बातें कर रहे हैं जो आज विशेष तौर से कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने हमीरपुर से सोशल मीडिया में, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडी की हमारी प्रत्याशी है कंगना जी, उनके ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी करते हुए उनके फोटो डाले हैं, हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी वो मामला उठाया है, कंप्लेंट की है, शिकायत की है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान करने से रुक नहीं रहे। पहले उनकी एक अभिनेत्री ने मंडी के बारे में टिप्पणी की और मंडी के साथ कंगना रनौत पर उन्होंने टिप्पणी की, जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से प्रत्याशी है, और अब कांग्रेस के नेता खुलेआम जो हिमाचल प्रदेश में जो दायित्व तो पर हैं, जिम्मेवारी पर हैं, वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। वही हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष चंदन राणा ने कहा है ये पेज यूथ कांग्रेस हमीरपुर का नहीं है। उन्होंने कहा है कि युवा कांग्रेस इस तरह की भद्दी टिप्पणी नहीं करता। जिस पेज पर भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की पोस्ट डाली गई है, इस पेज से हमीरपुर जिला युवा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी हैं और बेहतरीन अदाकारा हैं। इसका युवा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हमें देखिए, उस पेज से या उस ग्रुप से हमीरपुर युवा कांग्रेस का या हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हमारा हमीरपुर युवा कांग्रेस का एक अलग से अधिकृत ग्रुप है जिसमें हम अपनी पोस्ट डालते हैं, और अगर इस तरीके की कोई टिप्पणी की गई है तो हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उस ग्रुप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में देखिए, जो ये प्रत्याशी हैं जिनके बारे में ये टिप्पणी की गई है, वो हमारे हिमाचल की कहीं ना कहीं शान है और उन्होंने बॉलीवुड में जाके एक नाम कमाया है, लेकिन इस वक्त तो हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। लेकिन जिस पेज की बात हो रही है, उस पेज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जो युवा कांग्रेस है, हमारी मोरलिटी, हमारे एथिक्स और हमारी किसी भी तरह की ट्रेनिंग इस तरह की नहीं होती कि हम किसी की पर्सनल उस पर टिप्पणी करें। तो इस पेज का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह का प्रचार ना युवा कांग्रेस पहले करती थी, ना अब किया है और ना आगे वाले समय में करेंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को प्रत्याशी बनाने के बाद एक्स पर लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। तभी देश भर में इसे लेकर खूब विवाद हुआ। अब यूथ कांग्रेस के ताजा पोस्ट ने सियासत गर्मा दी है। हमारे साथ दीक्षा वर्मा जुड़ रही हैं, प्रवक्ता बीजेवाईएम हिमाचल से जुड़ रही हैं, और साथ ही नितेश सैनी संवाददाता मंडी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। नितेश, हम सभी जानते हैं कि मंडी लोकसभा का चुनाव इस वक्त कांटे की टक्कर जैसा मुकाबला बन गया है, जहां एक तरफ कंगना रनौत हैं तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह हैं, लेकिन ये जो हमला किया गया है इसको लेकर क्या गर्मी, क्या खबर मंडी से? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव है होने जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में अब गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से चुनावी गर्माहट है वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। हमने देखा था कि जिस समय हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, तो उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा कंगना रनौत पे यहाँ पे टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की गई थी। लेकिन अब हमीरपुर के यूथ क्लब, जो कांग्रेस का यूथ क्लब है, उन्होंने सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी यहाँ पे की है, लेकिन उसका भी हिमाचल प्रदेश में लगातार विरोध हो रहा है। वहीं आज सुबह हमने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, और जो हिमाचल की जो नितेश है, इसका तो विरोध किया है खुद कांग्रेस ने वहां पर, उसने कहा है कि ये उनका पेज ही नहीं है, ये किसी और ने किया है। हमने भी ये बात सुनी है कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये हमारा किस पेज नहीं है, और इस पे जो भी प्रतिक्रिया आई है वो हमारी प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन अब जो भाजपा है वो लगातार यहाँ पे आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस का यूथ क्लब है,
उनके द्वारा बेहद्दर टिप्पणी यहाँ पे की गई। अब देखना होगा इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव। चलिए दीक्षा वर्मा को रुक कर लेते हैं, मेरे साथ बीजेवाईएम से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लग रहा है, ये सारी चीजें प्रॉक्सी के तौर पर कंगना के खिलाफ वहां पे की जा रही हैं और इसमें चुनाव कहीं ज्यादा जिम्मेदार है, महिला का सम्मान वो चीजें अब काउंट नहीं की जा रही हैं? राजी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, सभी को जय श्री राम। मैं शुरू करना चाहूंगी ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी की अब आदत बन चुकी है, पहले वो कुछ कहेंगे और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट जाएंगे। हमने देखा कुछ दिन पहले जो कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता है और उनकी आईटी सेल की हेड भी है, और मैं आपको बताना चाहूंगी उसी महिला ने एक बार मेरे साथ भी ऐसी ही चीज की थी सोशल मीडिया पे, जब पूरा कांग्रेस आईटी सेल मेरे को भी सोशल मीडिया पे हरास करने आ गया था। तो ये इनकी आदत है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सिर्फ एक नारा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन असल में इन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है तो हाईकमांड से पड़ता है और डर्टी पॉलिटिक्स से पड़ता है। जिस दिन से भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में टिकट्स अनाउंस किए और कंगना रनौत जी का जैसे ही नाम आया, तब से सिर्फ कंगना 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 ये लोग करे जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी हार पक्की है। हमारा नारा है कि हिमाचल में 4 की 4 और देश में 400 पार, और यही होने वाला है। आप विक्रमादित्य जी को देख लीजिए, वो हर दिन सिर्फ कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहेंगे कि ये तो एक एक्ट्रेस है, ये एक्टिंग कर रही है, विच इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अगर आप एक महिला को एक अच्छी नजर से, एक रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देख सकते तो आप डिजर्व भी नहीं करते हैं कि आप कहीं जाके एक अच्छी पोजिशन पे खड़े हो। और वही होगा विक्रमादित्य जी को और कांग्रेस पार्टी को, क्लियरली हिमाचल प्रदेश और मंडी जवाब देगी। उन्होंने सिर्फ नारी शक्ति का ही अपमान नहीं किया है, पूरे हिमाचल का अपमान किया है, पूरे मंडी का अपमान किया और नए भारत का अपमान किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो ये उनका पेज ही नहीं है, इस पर बेफालतू में बतंगड़ बनाया जा रहा है। जी आपको पता है 10,000 से लोग ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं। मैंने सब कुछ जो हमारी पार्टी के लोगों के साथ, सबसे पहले मैंने वो पोस्ट देखा था फेसबुक पे, मैंने उसमें कमेंट्स पढ़े नीचे। आप आज जाके उसमें कमेंट्स पढ़िए, लोग कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। कल मैंने ट्वीट किया है, ट्वीट जब मैंने किया है इस बारे में, तब भी कांग्रेस सपोर्टर्स आके उसमें गंदी गंदी चीजें लिख रहे हैं, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं एक महिला के लिए। और जैसे कि मैं बताया आपको पहले सुप्रिया श्रीनेत वाली बात, वही बात है, सुप्रिया जी ने भी तो ये कहा, उनकी प्रोफाइल से कुछ अपलोड हुआ फिर भी उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो हम यूथ कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस क्लब से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? नितेश, बीजेपी ने कहा चुनाव आयोग का रुख कर रही है, शिकायत कर रही है। नितेश, बीजेपी चुनाव आयोग जा रही है, क्या चुनाव आयोग में शिकायत की है सबकी? जी बिल्कुल सही, ये जो हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हमारी आज बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार अभद्र टिप्पणी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो कंगना रनौत है, हिमाचल प्रदेश की बेटी है, इसके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजनीति एक अलग चेहरा हो सकता है, राजनीतिक अलग मुद्दे पे जा सकती है, लेकिन इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो मंडी की जनता है उसको भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं है। लोगों से भी हमने बातचीत यहाँ पे की है, लोगों का भी ये कहना है। चलिए, शाब्दिक बाण छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को हैरेस करने की कोशिश की जा रही है। अब इस सब के पीछे किसी तरीके का डर है या कुछ और, वो तो पता नहीं, लेकिन चुनाव के मैदान में दोनों ही तरफ से वार लगातार हो रहे हैं। दीक्षा वर्मा, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नितेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।